नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ विवेक। देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों के बीच कई तरह के नए नए मैसेज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसमें कई तरह के दावे भी किए जा रहे हैं। एक ऐसा ही मैसेज व्हाट्सएप पर वायरल है, जिसमें देश के कई हिस्सों में कोरोना के नए वेरियंट के मामले मिलने की बात कही गई है। इसमें कहा गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी प्रेस वार्ता में कोरोना के 771 नए वेरिएंट मिलने की जानकारी दी है, जिसमें 736 यूके के, साउथ अफ्रीका के 34 और ब्राजील का एक वेरिएंट मिला है। ये वेरिएंट देश के 18 राज्यों में पहुंच चुके हैं। इसमें कहा गया है कि ये नए वेरिएंट काफी तेजी से फैल रहे हैं और इनके चलते हालात बिगड़ रहे हैं। इस मैसेज में जो बातें लिखी हैं उनको स्वास्थ्य मंत्रालय की प्रेस रिलीज बताया गया है। अब सवाल यह है कि क्या स्वास्थ्य मंत्रालय के नाम पर यह वायरल मैसेज में किया गया दावा सही है? अब जब इस खबर का फैक्ट चेक किया गया तो सच सामने आया। फैक्ट चेक में मंत्रालय की ओर से इस मैसेज को पूरी तरह से फेक बताया गया। पीआईबी ने कहा कि मैसेज पूरी तरह से बेबुनियाद है। इस तरह की कोई प्रेस वार्ता स्वास्थ्य मंत्रालय ने नहीं की। देश में कोरोना वायरस इन दिनों काफी तेजी से फैल रहा है। बता दें कि पिछले 24 घंटे में 2,34,692 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 1,341 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही पिछले 24 घंटे में 30,04,544 लोगों को वैक्सीन दी गई। अब तक 11,99,37,641 लोगों को वैक्सीन दी जा चुकी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।